वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड मैं अभी नहा के आई हूँ और साथ ही मैं मेकअप कर रही हूँ क्योंकि आप सबसे कुछ बात करना था मुझे। एंड बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप वीडियो शूट कैसे करते हो एंड आपको फ़ोन कौन सा है। मे बी कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कमेंट मुझे यही आ रहा है आजकल कि आप शॉर्ट वीडियो कैसे एडिट करते हो, इफेक्ट कहाँ से लाते हो, किस ऐप से एडिट करते हो एंड शूट कैसे करते हो और शूट कैसे करके आप कैसे अपलोड करते हो। तो मैं अच्छे से शूट करके ये आप सबको अपलोड कर दूँगी ये वीडियो। और मैंने कल एक पोल डाला हुआ था जिस पर मुझे 200 वोट आए हैं। ओ माय गॉड, मतलब कि मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इतने वोट मिल सकते हैं। 200, ओ माय गॉड, 200 वोट मुझे मिले हैं एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैं सोई थी, सो के जब उठी मैं देखी 200, ओ माय गॉड, मैं मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड 90% लोग बोले हैं कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ कि आप कैसे वीडियो बनाते हो एंड अपलोड कैसे करते हो, एडिट कैसे करते हो, किस ऐप से एडिट करते हो, तो और मेरा फ़ोन कौन सा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं अच्छे से आप सबको दिखा दूँगी। मैं बहुत, पता है, स्टाइल ब्लॉग बनाती भी हूँ, आप लोग देखते होंगे, और उस पर मुझे अच्छे से, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना टॉपिक चेंज करूँ एंड मैं मेकअप से रिलेटेड ही वीडियो बनाऊँ, लॉन्ग वीडियो भी बनाऊँ और स्किन केयर वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। क्योंकि बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आप कैसे बनाते हो वीडियो, तो वो सब भी मिल जाएगा आप सभी को। एंड ये छोटा सा वीडियो रहने वाला है एंड मैं मेकअप वीडियो बनाने के लिए ही कर रही हूँ, लाइक शॉर्ट बनाने के लिए मेकअप कर रही हूँ। आप लोग को इस वीडियो में तो ये नहीं मिलेगा कि मैं वीडियो कैसे शूट करती हूँ, लेकिन इससे अगले वाले ब्लॉग जो आने वाला है उस ब्लॉग में आप सबको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा कि मैं वीडियो कैसे बनाती हूँ, कैसे अपलोड करती हूँ एंड कैसे एडिट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड इस वीडियो को बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं टाइमली अपलोड कर दूँगी। एंड फ़ोन कौन सा है वो भी आप सबको मिल जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है एंड पता क्या हो रहा है, गर्मी के कारण मैं भूल भी गई कि मुझे क्या आप सबसे बातें करना था। एंड आज है संडे और मैंने हेयर वॉश कर लिया हुआ है। और एंड आपको कमेंट में ये भी बताएगा कि आपको किस से रिलेटेड वीडियो चाहिए, मेकअप से रिलेटेड चाहिए या फिर डेली ब्लॉग चाहिए। आप लोग को जो अच्छा लगता होगा लॉन्ग वीडियो में मैं वही बनाऊंगी। एंड कितने लोग मुझे बोल रहे हैं कि लाइव आइए, तो लाइव कैसे आया जाता है मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन लाइव का ऑप्शन तो मेरे यूट्यूब पे दिखाता है, लेकिन मुझे अभी अच्छे से पता नहीं है कि कैसे लाइव आते हैं लोग, और उसके लिए मुझे डिटेल में सब कुछ चेक करना होगा कि लाइव कैसे आ जाता है। क्योंकि किसी चीज़ को करने से नॉलेज होना चाहिए। और ये मेरा बस सिंपल सा एक मेकअप है, वीडियो नहीं बना रही हूँ, ऐसे ही सोची कि बातें जब करूँगी तो कुछ लोग गॉसिप करते हैं जब, तो मेकअप भी करते रहते हैं, तो मुझे एक मुझे वो क्रेज़ था कि मैं भी ऐसा करूँगी कभी। तो आप सबको पता है कि मुझे तो मेकअप आता नहीं है, लेकिन जो भी आ रहा है वही मैं करती हूँ और बहुत प्यार मिल रहा है आप सभी का, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड मेरी फैमिली अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, 21K कम्प्लीट हो गया है, और ये फैमिली कोई छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, खास करके बहुत बड़ी बात है। एंड गर्मी कितना ज़्यादा है आप लोग देखो, मैं मेकअप करी जा रही हूँ और गर्मी से भींगी जा रही हूँ। एंड किसको मेरा मेकअप वीडियो पसंद आता है, वीडियो बनाना ना कोई बड़ी बात नहीं है, वीडियो कोई भी बना सकता है, लेकिन उसके बारे में नॉलेज रहना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वीडियो सभी लोग बना लेते हैं लेकिन अपलोड कैसे करते हैं, एडिट, मैं बहुत सारे ऐसी वीडियो देखती हूँ कि लोग डायरेक्ट बनाते हैं एंड अपलोड कर देते हैं, एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं। थोड़ा मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है और आप लोग बताएं, तो लो जी बातों बातों में मेरा आधा कंप्लीट हो गया है मेकअप। एंड मेकअप क्या हुआ है यार, बस गर्मी से भींगी जा रही हूँ मैं, आप लोग को बहुत अच्छे से देख सकते हो, बस गर्मी से भींगी जा रही हूँ मैं और ये पसीने दिखे, ये है रियलिटी मेकअप का। आप लोग सोचते हो कि मेकअप जो लोग करते हैं पूरा क्लीन फेस हो जाता है, बिल्कुल डिस्टेम्पर की तरह, लाइट की तरह चमकने लगता है, तो ऐसा नहीं होता यार। मेकअप
जो हमारे फेस पे दाग है, धब्बे है, सारा विजिबल होता है, सबके सामने दिखता है, अच्छे से दिखता है, और जो फेस सबका क्लीन है, तो इसी पता है सबसे बड़ी बात ये है, हम लोग सोचते हैं कि मेकअप करके थोप के हम लोग अच्छे बन जाएंगे, लेकिन जो लोग खाते हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। जितना भी हो सके हम लोग पानी पीना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए, ये तो बहुत नॉर्मल बात है यार, हर किसी के ब्लॉग में आपको ये नॉलेज जरूर मिलेगा। एक छोटे से छोटे लोग को पता है ब्लॉगिंग जो कर रहे हैं, फिर डॉक्टर भी आपको ये राय देंगे, कहीं भी आप चले जाइए सभी लोग आपको ये राय देंगे कि पहले फेस के लिए हमारा हेल्थ जरूरी है। जब हमारा हेल्थ सही रहेगा तभी जाके फेस पर भी ग्लो आएंगे, एंड मेकअप हमारा वही मेकअप अच्छे से दिखता है जिसका फेस ग्लो करता है। और स्किन केयर पे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए क्योंकि स्किन केयर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं सोच रही हूँ कि स्किन केयर भी मैं वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको इस टाइप की वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए, तो कमेंट में बता दीजिएगा। एंड जो मैंने पोल डाला हुआ था तो उस पर तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बहुत बहुत अच्छा, इसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे तो उस सिंदूर को लेकर भी बहुत टोका या बोला जाता है, मैं तो इतना सुन चुकी हूँ कि ओ माय गॉड, अभी मेरी न्यू शादी हुई है एंड मैं सिंदूर प्रॉपर लगाती हूँ, अप्लाई करती हूँ। कितने लोग बोलते हैं कि एक तो ऐसा कमेंट आया था मुझे ना कि कमेंट में आया था, कल ही आया था, एक सुमन नाम से कोई थी एक लड़की, तो मुझे कमेंट की थी कि सिंदूर लगाने से, तो सिंदूर वही लड़कियाँ लगाती हैं जिसे पति से प्यार होता है, सिंदूर लगाने से ही लड़की दिखती है कि हाँ शादीशुदा है, क्योंकि सिंदूर लगाने से तो उसका पति सिर्फ खुश रहता है, जो सिंदूर नहीं लगाते हैं सारे बॉयफ्रेंड को घुमाती हैं। तो देखो ये तुम्हारी सोच है, और जो लोग सोचते हैं ऐसा नहीं है कि सिंदूर से ही आपका प्यार दिखता है, रिस्पेक्ट भी कुछ होता है लाइफ में, आप दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट कर रहे हो। सिंदूर मैं बहुत लड़कियों को ऐसा देखूँ यार, मांग पर सिंदूर भरती हैं और फिर भी वो अपने पति से उतना रिस्पेक्ट नहीं देती हैं, उतना प्यार नहीं करती, ऐसी बहुत लड़कियाँ हैं। एंड किसी की लाइफ में इंटरफेयर तो वैसे करना नहीं चाहिए किसी को भी, लेकिन मुझे तो इतने ज़्यादा गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं कि ओ माय गॉड, मैं तो मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, बट कोई नहीं, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। एंड पर कमेंट के बाद भी मैं उसे एक गुड वे में ही लेती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि यार बंदी के पास इतना तो टाइम आया कि मेरे वीडियो में आके मुझे कमेंट कर दिए, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड रही बस सिंदूर की, तो आप किसी को राय ना दें कि वो सिंदूर कैसे लगाए या फिर ना लगाए, लेकिन लो जी जिसको लगता है कि मैं अपना सिंदूर ढक लेती हूँ, तो ठीक है मैं ढक लेती हूँ, घर पे भी तो कोई नहीं है, फिर मैं किसको दिखाना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती। बहुत गर्मी हो रही है यार, एंड फाइनली मेरा मेकअप भी कंप्लीट हो गया, लग रहा है कि मैं मेकअप की हूँ। जितना हम लोग सिंपल मेकअप करते हैं ना, जितने कम प्रोडक्ट रहते हैं उतना ही अच्छा मेकअप होता है, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट होता है मैं तो पूरा कन्फ्यूज हो जाती हूँ कि कब क्या अप्लाई करूँ। सो मैं सोचती हूँ जितना सिंपल मेकअप हो, सिर्फ एक फाउंडेशन हो एंड लिपस्टिक हो, तो मैं पूरा प्रॉपर मेकअप कर सकती हूँ। जैसे आप लोग देखा होगा मेरा ये पूरा फुल लुक मेरा आया हुआ है लिपस्टिक एंड फाउंडेशन से, मैंने यूज़ किया हुआ था, उससे पहले मैंने सनस्क्रीन यूज किया था, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी मेकअप अगर अप्लाई कर रहे हो फेस पे तो मॉइस्चराइजर तो चाहिए ही आपको, वो चाहे कुछ भी हो हाईलाइट कर लेते हैं। वैसे तो मुझे कहीं जाना नहीं है, लेकिन वीडियो बनाऊंगी ना, ये रहा मेरा बिंदी, सो ये था मेरा कुछ फाइनल लुक। एंड फाइनल लुक क्या यार, गर्मी आप लोग देख सकते हो, एंड गर्मी के कारण मैं बिल्कुल बेतहाशा परेशान हूँ, एंड ये धूप, ओ माय गॉड, धूप तो आप लोग देख सकते हो यार, मतलब बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है एंड बहुत गर्मी है, मेकअप पूरा धुल चुका है आप लोग देखो। एंड वैसे तो ये मेकअप कोई था नहीं, मेकअप वीडियो नहीं था, ये तो बस एक गॉसिप मैं करने चाहती थी, तो वही सोचा मैंने कुछ करती रहूँ या फिर बैठ के मैं बातें कर लूँगी तो सारी कुछ भूल जाती हूँ जो भी मुझे करना होता है। एंड ये था मेरा टॉपिक इस पे कि ये वीडियो मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन है कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो ये आप लोग अपलोड क्या बोली जा रही हूँ यार, ब्ला ब्ला ब्ला। सो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं जाके स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे पता है यार कि जब आप लोग को पसंद ही नहीं होगा किसी भी टाइप का वीडियो तो मैं क्यों बनाऊँगी, क्यों टाइम इतना वेस्ट करूँगी, एंड जब मेरे फ्रेंड्स को ही नहीं पसंद है तो मैं बना क्या फ़ायदा है। बट मैं डे बाई डे एक एक अपना ब्लॉग डालती रहूँगी अब। एंड बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका हेयर, वैसे तो मेरे हेयर बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन हेयर के बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि प्लीज़ वीडियो बनाइए, फुल वीडियो बनाइए, तो वो भी मैं बताऊंगी आप सबको कि मैं क्या अप्लाई करती हूँ अपने बाल में और कैसे रखती हूँ, कैसा केयर करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है क्या मैं केयर करती हूँ इसका। एंड कोई नहीं, चलिए वीडियो मैं बता दूंगी, एंड कॉमेंट में बता दीजिएगा यार कि आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। एंड ये मेरा मेकअप कैसा लगा, मेकअप था नहीं यार, बार बार एक ही बातें बोली जा रही हूँ, एंड गर्मी, ओ माई गॉड, एंड सिंदूर यहाँ है यार, देख लो सिंदूर है मेरे पास, मैं लगाती हूँ, अप्लाई करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी मेरे वीडियो देखते हैं, ठीक है,
और चलिए तो वीडियो को एंड करते हैं। ये बहुत छोटा सा वीडियो था एंड आज ही मैं अपलोड कर दूंगी एंड आज ही आप सबको मुझे जवाब चाहिए कि आप सबको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये वीडियो आप सबको कल मिल जाएगा कि मैं वीडियो कैसे बनाती हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाय बाय।